बर्मिंघम के एडबेस्टन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2023 एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला गया। इस टेस्ट से पहले तक इंग्लैंड के वेज बॉल की खूब चर्चा होती थी। माना जा रहा था कि इंग्लैंड को उसके घर में टेस्ट मैच हराना असंभव जैसा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के वेज बॉल की हवा निकाल दी। ऑस्ट्रेलिया ने वो काम करके दिखाया और इंग्लैंड को उसके घर में औकात दिखा दी। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 2 विकेट से हरा दिया। भले ही ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच हरा दिया, लेकिन इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। ऑस्ट्रेलिया को पैट कमिंस और नाथन लॉर्ड ने अपनी बल्लेबाजी से जीत दिलाई। इसके साथ ही कंगारों ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड भी टूटते हुए नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस भी गेंद और बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद एक खास क्लब का हिस्सा बन गए हैं। तो चलिए आपको इस मैच के कुछ बड़े कारनामे बताते हैं। नंबर 1, मेहमान टीम के लिए 5वां सर्वाधिक लक्ष्य का किया पीछा। जी हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ उन्हीं के घर पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने टेस्ट फॉर्मेट में 5वां सर्वाधिक लक्ष्य का पीछा सफल तरीके से किया है। इस मामले में पहले स्थान पर भी कंगारू टीम है, जिन्होंने साल 1948 में हेडिंग्ले टेस्ट मैच में 404 रनों का पीछा किया था। साल 2008 में साउथ अफ्रीका टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ एडबेस्टन के मैदान पर 281 रनों का लक्ष्य का पीछा सफलतापूर्वक किया था। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया कप्तान के रूप में एक टेस्ट में 80 रन और 4 विकेट। ऑस्ट्रेलिया कप्तान के रूप में पैट कमिंस का इस टेस्ट मैच में गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। कमिंस ने इस मुकाबले में 80 रन बनाने के अलावा कुल मिलाकर 4 विकेट भी हासिल किए। कमिंस ऐसा करने वाले ऑस्ट्रेलिया के 6ठे कप्तान बन गए हैं। इससे पहले बॉब सिंपसन ने 4 बार, जॉर्ज गिफेन ने 2 बार, वॉरविक आर्मस्ट्रांग और रिची बेनोड और एलन बॉर्डर कर चुके हैं। नंबर 3, सफल रन चेज में 9वें विकेट के लिए 34 सबसे बड़ी साझेदारी। जी हाँ, पैट कमिंस और नाथन लियोन के बीच इस टेस्ट मैच में हुई 9वें विकेट के लिए 55 रनों की साझेदारी ने भी एक खास रिकॉर्ड बना दिया है। कमिंस और लियोन की साझेदारी टेस्ट क्रिकेट में 9वें विकेट के लिए सफल रन चेज में 4थी सबसे बड़ी साझेदारी है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर 2010 में वीवीएस लक्ष्मण और ईशांत शर्मा के बीच हुई 81 रनों की साझेदारी है। यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली टेस्ट मैच में देखने को मिली थी। नंबर 4, बतौर ऑस्ट्रेलिया कप्तान एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक छक्के। जी हां, एडबेस्टन टेस्ट में पैट कमिंस के बल्ले से कुल मिलाकर 5 छक्के देखने को मिले। इसी के साथ वो अभी तक एक टेस्ट मैच में बतौर कंगारू कप्तान सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में रिकी पोंटिंग के बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पोंटिंग ने साल 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 छक्के लगाए थे। नंबर 5, एशेज में ऑस्ट्रेलिया का 4था सबसे बड़ा रनचेज। जी हां, एशेज के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया टीम अपना 4था सबसे बड़ा सफल रनचेज करने में कामयाब रही। इस लिस्ट में पहले नंबर पर साल 1948 में हेडिंग्ले टेस्ट मैच है, जिसमें कंगारू टीम को 404 रनों का पीछा किया। वहीं साल 1901-1902 की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड टेस्ट मैच में 315 रन बनाए थे, जबकि साल 1928-1929 में मेलबर्न टेस्ट में 286 रनों का पीछा किया था। नंबर 6, विकेट के नजरिए से एशेज में करीबी जीत। ऑस्ट्रेलिया टीम ने एडबेस्टन टेस्ट मैच में 2 विकेट से अपने नाम किया है। इस तरीके से यह एशेज में विकेट से जीत हासिल करने के मामले में दूसरी सबसे करीबी जीत रही। इससे पहले इंग्लैंड ने साल 1901, 1907, 1908 और 2019 में 1 विकेट से जीत हासिल की थी। वहीं साल 1890 में इंग्लैंड ने ओवल टेस्ट मैच में 2 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया था। तो एशेज 2023 के पहले मुकाबले में ये वो 6 रिकॉर्ड है जिनकी लगातार चर्चा हो रही है। तो आपका इंग्लैंड की हार और ऑस्ट्रेलिया की जीत पर क्या कहना है, और इंग्लैंड की हार की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।